हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ही होंगे। तो आज का ये जो वीडियो है, एक बहुत ही बढ़िया सा वीडियो होने वाला है, क्योंकि थंबनेल देखकर तो आप लोग जान ही चुके हैं कि ट्यूबर से इतने कम वक्त में कैसे मुझे फ्लावर मिला, वही आप लोगों के साथ इस पूरे वीडियो में शेयर करूँगा। तो वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरा वीडियो देखना, ज़रूर आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम टू माई चैनल माई ड्रीमी गार्डन। तो ये देखिए, ये है मेरा पॉट जो मिट्टी का बना हुआ है, तो इसमें ही मैं ट्यूबर को ग्रो करूँगा। एक्चुअली ये गांव में जो गाय भैंसों को खाना डालने के लिए इस्तेमाल होता है, जो मैंने मेले में ख़रीदा हुआ था, तो इसको मैंने रखा था लोटस को ग्रो करने के लिए ही। तो चलिए सबसे पहले इसके मीडिया के बारे में बता देते हैं। जो मैं आज तैयार करूँगा वो देखिए, इसका जो नीचे का 2-3 इंच लेयर जितना है, उसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट इसमें ऐड करूँगा। वर्मी कंपोस्ट के जगह पर आप लोग जो पुराने काउडंग का जो कंपोस्ट होता है वो भी यूज़ कर सकते हो। 20-30% के आसपास आप लोग वर्मी कंपोस्ट लेना। ये देखिए, इसके बाद ये जो दिख रहे हैं आप लोगों को, तो ये है जो तालाब का जो कीचड़ वाला मिट्टी है वो मैंने लिया हुआ है। ये देखिए, जो कमल के लिए यानी कि लोटस के लिए बहुत ही बढ़िया एक मीडिया है। जैसे कि हम सभी जानते ही हैं कि कीचड़ में कमल खिलते हैं, तो इसके लिए ही ये बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होगा। तो ये देखिए, वर्मी कंपोस्ट के ऊपर मैं ये जो कीचड़ वाला मिट्टी है मेरे पास, वो मैं इसमें फिल कर दूंगी। इसके बाद 50 से 60% तक का इसमें ऐड कर दूंगा। तो अगर आपके पास ये कीचड़ वाला मिट्टी नहीं है, तो आप लोग जो चिकनी मिट्टी है उसके साथ, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट आप लोग देखें, तो उसके बाद चिकनी मिट्टी में बोन डस्ट जो है उसको मिलाकर थोड़ा बहुत उसमें जो मस्टर्ड केक का जो पाउडर है उसको मिलाकर ऐसे मिट्टी तैयार करके ऐसे इसको देकर वर्मी कंपोस्ट के ऊपर पानी डालकर एक हफ्ते के लिए छोड़ देना। उसके बाद ट्यूबर को उसमें लगाना। तो जैसे कि देखिए, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था, ये तालाब का तैयार किया हुआ हम कह सकते हैं कि मीडिया है। तो इसके लिए मैं अभी इसमें ग्रो करूँगा। तो यही है वो 2 ट्यूबर जो मैं ग्रो करूँगा। एक्चुअली ये देखिए, ये थोड़ा ज़्यादा मैच्योर है, तो इसके लिए देखिए पत्तियाँ वगैरह इसमें ऑलरेडी इतने सारे पत्तियाँ आ चुका है, तो इसी के चलते मुझे बहुत जल्दी फ्लावर मिला। तो ये ट्यूबर मुझे मिला है जो एडनियन ग्राफ्टिंग का एक वर्कशॉप हुआ था, तो उस जगह पर मुझे गिफ्ट के तौर पर ये मिला। तो उसका भी एक वीडियो मेरे चैनल पर दिया हुआ है, अगर आप लोग चाहे तो उस वीडियो को देख लेना, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो ये देखिए, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है कि मैंने एक जो है कि एकदम किनारे पे एक लगाया हुआ है राइट में, और एक मैं लगा रहा हूँ लेफ्ट में। तो इस जगह पर मैं इसको ट्यूबर को लगा रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर हम सभी प्लांट जब लगाते हैं तो बीच में लगाते हैं। तो इसका यही एक वजह है कि ये जो चारों ओर से यानी कि सर्कल की तरह से ये ट्यूबर ग्रो होता है, तो इसके लिए उस जगह पर इसको चाहिए होता है, तो सर्कल की तरह पूरा पॉट के किनारे किनारे में ये बढ़ता रहे। इसके लिए इसको अच्छी ग्रोथ देने के लिए उस जगह पर ग्रो करना ज़रूरी है लगाना। तो ये देखिए, ऐसे हम पानी डाल दें कि इसमें आहिस्ता आहिस्ता के पानी बीच में ख़राब ना हो, तो इसके लिए कुछ चीज़ के ऊपर रखकर पानी डाल देंगे। ये देखिए, है एक दिन बाद तो मिट्टी पूरा सेट हो चुका है। देखिए पानी भी कितना साफ लग रहा है, एकदम नीचे तक दिखाई दे रहा है। ये है एक हफ्ते बाद, तो एक हफ्ते के अंदर ही कितने सारे पत्तियाँ देखिए इसमें आना स्टार्ट कर चुका है। तो अभी तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही बढ़ने देंगे, और भी पत्तियाँ इसमें आए। ये है 9 दिन बाद, तो देखिए और भी पत्तियाँ आ चुका है, लेकिन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि पानी थोड़ा गंदा हो चुका है। तो इसको हम अगर जिस दिन यानी कि 1-2-3 दिन बाद जब भी आपको पानी गंदा दिखे तो साफ करते रहना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे नहीं है कि डेली करना पड़ेगा, डेली तो ये ख़राब नहीं होगा, लेकिन 2-3 दिन में आप लोग चेक करते रहना।
इससे क्या होगा कि पानी को अगर आप साफ रखेंगे तो इसमें जो बीमारियां है वो नहीं होगा, ट्यूब अच्छा रहेगा, सब कुछ पानी भी अच्छा रहेगा, तो प्लांट पूरा प्लांट ही अच्छा रहेगा। तो बस ऐसे ही चेक करते रहना और पानी को साफ सुथरा रखना। ये देखिए, ये जो वाटर कैबेज है ये मैंने लगाया हुआ है, इससे क्या होता है कि पानी भी ज़्यादा गर्म नहीं होता है और जो ट्यूबर है वो भी सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है। तो इसके चलते आप लोग जो सेल्विनिया और वाटर कैबेज ये पानी में इसके ऊपर रख सकते हो। तो ये देखिए, अब हम आ गए हैं इसके फर्टिलाइज़र देने के ओर। तो ये जो इसका जो फर्टिलाइज़र है, इसमें आप लोग पहले स्टेज में जो NPK 19-19-19 वो डाल सकते हो इसमें। ये देखिए, उसके लिए क्या होगा कि इसको एक सूती का कपड़ा या फिर कोई भी पेपर ले सकते हो, उसमें ऐसे इसको रखकर जो मिट्टी के अंदर इसको डाल सकते हो। लेकिन ये जो मैं दे रहा हूँ, ये 10-26-26 NPK मेरे पास था तो वो मैं दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत सारे पत्तियाँ आ चुका था तो मुझे लग रहा था कि ट्यूबर भी मैच्योर था। तो इसके चलते क्या है कि इसको एक ग्रोथ के साथ साथ मुझे फ्लावर भी जल्दी मिलेगा। तो इसके लिए जो NPK 10-26-26 था तो वही मैं यूज़ किया। इसके बदले आप लोग DAP भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए इससे पहले बता देता हूँ कि मैं, देखिए मैं बीचों बीच एकदम बीच में इसको दे रहा हूँ और जो ट्यूबर है, दो ट्यूबर वो दो साइड में है, तो ऐसे ही मैं ट्यूबर के थोड़ी दूरी पर, यानी कि देखिए मिडिल पर मैं इसको रख दिया मिट्टी के अंदर। तो ऐसे ट्यूबर के पास भी नहीं रहेगा और आहिस्ता आहिस्ता ये पानी में घुलता रहेगा और इसको न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे। तो ये देखिए, फर्टिलाइजिंग करने के बाद कितने बढ़िया तरीके से इसका ग्रोथ हुआ है। और पत्तियाँ देखिए, पत्तियाँ के साइज़ भी आहिस्ता आहिस्ता कैसे बहुत सुंदर तरीके से ये बढ़ रहा है। ये देखिए इसका साइज़ तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये दिखने में। और ये देखिए, 15 दिनों के अंदर ही इसके एरियल लीव्स भी आना स्टार्ट कर चुका है। और ये देखिए, फाइनली 18 दिन, सिर्फ 18 दिनों के अंदर ये इसमें कलियां आ चुका है। ये देखकर मेरा तो पूरा दिन बन गया था उस दिन, जो कि मैंने देखा जब कलियां इतने जल्दी, मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने जल्दी 18 दिनों के अंदर, सिर्फ 18 दिनों के अंदर ये मुझे फ्लावरिंग करेगा ये लोटस प्लांट। तो फ्लावरिंग नहीं, जो कलियां है वो आएगा, मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो ये देखिए, ऐसे ही अब कुछ दिनों के बाद बाद हम पानी चेक करेंगे कि पानी गंदा तो नहीं है। तो गंदा अगर है या फिर कोई पत्तियां सूख कर अंदर ही अंदर वो सड़ना स्टार्ट कर चुका है, गलना, तो उसको भी हम निकाल कर फेंक देंगे। ये देखिए नीचे को और देखेंगे, ये देखिए जैसे कि ये पत्तियां सूखना स्टार्ट कर चुका है। अब क्या होगा कि नीचे आहिस्ता आहिस्ता सड़ना स्टार्ट कर देगा और पानी को भी गंदा करेगा, तो इसके लिए हम ऐसे इसको निकाल देंगे। ये देखिए, 21 दिनों के अंदर कलियां आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर होता जा रहा है और साइड से और भी ढेर सारे कलियां भी आना स्टार्ट कर चुका है, सिर्फ दो में ही ये सीमित नहीं रहेगा। तो ये जो लोटस का प्लांट है, ये आप लोगों को जून, ये तो मेरा जून में फ्लावरिंग कर रहा है, तो जून से लेकर अक्टूबर तक ढेर सारे फ्लावरिंग करता रहेगा। उसके बाद आएगा इसका डोरमेंसी का पीरियड, उसमें आप लोगों को कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, इसको ऐसे ही आप लोग रख देना, फर्टिलाइजिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही रख देना, सिर्फ पानी को साफ करते रहना, जैसे कि देखिए मैं कर रहा हूँ। ऐसे ये सभी आप लोग जब लोटस को ग्रो करेंगे तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा कि पानी को साफ करना पड़ेगा। ये कोई मैं बोल रहा हूँ इसके लिए आप लोग नहीं करेंगे, मुझे मालूम है। तो ऐसे ही इसको साफ रखना और 15 दिनों के बाद बाद आप लोग फर्टिलाइज़र ऐसे ही देते रहना। तो क्या होगा कि इसके अच्छी ग्रोथ मिलेगा, लेकिन जब ये देखिए इस स्टेज में जब फ्लावरिंग हो रहा है तो फर्टिलाइज़र की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगा, फर्टिलाइज़र आप स्टॉप कर देना। फ्लावरिंग हो जाने के बाद, जब कुछ दिनों के बाद
तब फिर से 10-15 दिनों के बाद फिर से फर्टिलाइज़र देना, फिर फ्लावरिंग होगा तो फिर फर्टिलाइज़र स्टॉप कर देना। तो ऐसे ही चलाते रहना, बस इतना ही, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। ये देखिए 30 डेज, बिल्कुल डॉट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कोई भी झूठ इसमें नहीं है, एकदम डॉट डेट बटन बता रहा हूँ कि वीडियो जब भी मैंने करके रखा हुआ तो उस डेट से लेकर अगले डेट तक मैंने वही डाला हुआ है 30 डेज। ये देखिए जो 32 डेज मैंने एकदम उस डेट को मेंशन करते हुए ही जो वीडियो है उसके अंदर से ही मैं ये डेट बता रहा हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए 32 दिनों के अंदर मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि इतना सारा मुझे फ्लावर मिला। ये देखिए बहुत सारे तो कली भी और भी ज़्यादा मैच्योर हो रहा है, यानी कि इसका जो फ्लावर का साइज़ है और भी ज़्यादा बड़ा होगा, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ये। और इसका जो आईडी है वो है पिंक क्लाउड्स। तो आप लोग चाहे तो इसका जो ट्यूबर है या फिर सीड्स है उसको भी लेकर आप लोग ग्रो कर सकते हो, और इसको इस ऐसी जगह पर रखना जहाँ पर 6 से 8 घंटे तक आप लोगों को आप लेकर के प्लांट को धूप मिलते रहे, क्योंकि इसको ज़्यादा धूप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कमल के फूल को खिलने के लिए। तो उस जगह पर आप लोग इसको रखना, और ज़्यादा कुछ नहीं है, आप लोग इसके पॉट के पानी के अंदर जो फीसेस है, मॉली फीसेस है, उसको भी रख सकते हो कि जो मॉस्किटो के लार्वा वगैरह है उसको खा कर ये ठीक से प्लांट को रखेगा। तो उसके लिए ऐसे भी कर सकते हो, और बहुत और ज़्यादा केयर बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा, ऐसे अच्छी तरीके से ग्रो होगा, पूरा सीज़न भर आप लोगों को फ्लावरिंग करता रहेगा। तो चलिए दोस्त आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और प्लांट्स लगाते रहिए।